कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताऊंगी बालों की फुल स्टेप कटिंग कैसे करें, इस ऐसी कटिंग जिसमें पूरा बालों में स्टेप दिखे और ब्यूटीफुल लगे, बालों का वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है फुल स्टेप हेयर कटिंग से। तो किस तरीके से किया है मैंने वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा फाइनल लुक देखने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी इस तरीके की वीडियोज देखने के लिए ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और हाँ, आज मैं आपको बता देती हूँ कि स्किन को पहचाने कैसे, कि ऑयली ड्राई और नॉर्मल स्किन कैसे पहचाने, कि कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल है या ऑयली है या ड्राई है। तो सबसे पहले अगर आपकी स्किन बहुत सूखी जैसे एकदम ड्राई रहती है, जैसे एकदम सूखी रहती है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं आता स्किन से, तो वो है एकदम ड्राई स्किन। और नॉर्मल स्किन जब आपकी स्किन पे कहीं कहीं जैसे नोज पे कभी कभी बाई द वे कभी ऑयल आ जाए जैसे कि, तो वो वाला नॉर्मल स्किन है। और जैसे बहुत ही ऑयली स्किन, जैसे ऑयल निकलता रहता है चेहरे से, तो उसको ऑयली स्किन बोलते हैं। ये तो हो गया स्किन टाइप्स। अब स्किन टाइप्स को पहचाने कैसे, तो सबसे पहले आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए। आप उसको अपने स्किन पे, जब आप रात को सोते हो तो अपनी स्किन पे ऐसे चिपका के छोड़ दीजिए, और जब आप उठोगे तो मॉर्निंग में उसको देखिए। अगर आपकी स्किन आपका टिश्यू पेपर बिल्कुल ड्राई है, इसका मतलब आपकी स्किन ड्राई है। और नेक्स्ट दिन फिर और नॉर्मल स्किन को कैसे पहचानेंगे, नॉर्मल स्किन के लिए आपको टिश्यू पेपर को स्किन पे लगा के सोना है। सुबह उठ के देखोगे कहीं कहीं ऑयल पैचेस हैं, कहीं सूखा हुआ है, तो आपकी नॉर्मल स्किन है। और ज़्यादा ऑयली स्किन कैसे पहचाने, कभी जैसे आप टिश्यू पेपर लगा के सोओगे और आपके टिश्यू पेपर में पूरा ऑयल दिखे सुबह में, तो उसका मतलब आपका स्किन बहुत ही ऑयली है। तो ये तो हो गया स्किन टाइप्स पहचानने का तरीका। तो हेयर कट कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। और हाँ, मैंने अपना ब्राइडल मेकअप, वेडिंग सीजन चल रही है तो अलग अलग टाइप्स की मेकअप अपने वीडियो पे अपने चैनल पे डालते रहती हूँ, तो प्लीज़ वो सारी भी देख लीजिएगा। और ब्राइडल हेयर स्टाइल भी डालते रहती हूँ तो वो भी चेक कर लीजिएगा। और मैं बहुत जल्दी अपने ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में लेके आऊँगी कि स्किन की कॉन्टोरिंग कैसे करें, बहुत बड़ा फेस है तो उसको किस तरीके से छोटा और सुंदर दिखा सकते हैं, स्किन की कॉन्टोरिंग, हाईलाइटिंग, सब कुछ एक ही वीडियो में बता दूंगी लाइव आके, तो आप जरूर देखिएगा। ओके, और मैंने अपना हेयर कट किया था अभी 2-3 दिन पहले, तो उसका वीडियो पोस्ट हो चुका है। तो सेल्फ हेयर कट जिसको भी सीखना हो, जैसे खुद से अपने बाल कैसे कट करें, तो वो वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा। और दूसरों के कट करने के लिए तो मैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की आइडियाज़ बताते रहती हूँ, तो जरूर देखिएगा वीडियो। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। बटन क्लिक करते ही बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मिल जाए। और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये हैं गर्ल्स जिनका हेयर कट करना है। आप देख सकते हैं इनका हेयर किस टाइप का है। अभी वीडियो क्लियर हो जाएगी, थोड़ी सी धुंधली दिख रही है, प्लीज़ डोंट माइंड। तो ये वीडियो क्लियर होगी, अभी हम इनका कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने हेयर कट में, मैंने जैसे अपनी सारी वीडियो में बोलती हूँ कि हेयर कट से पहले आप बालों कटिंग सीट लगाइए और बालों को गीला कर लीजिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैंने इनके कटिंग सीट लगा दी है। अभी बालों को गीला करके अच्छे से टैंगल को रिमूव करेंगे। तो चलिए सावर ले आती हूँ और कंघी ले आती हूँ, कॉम्ब। तो अच्छे से बालों को गीला करेंगे और सुलझा लेंगे। ओके, तो जब तक आपके बालों से पूरे टैंगल्स रिमूव ना हो जाए तब तक आप बालों को अच्छे से सुलझाओगे। ओके, तो इनके बालों में ज़्यादा टैंगल नहीं थे, ज़्यादा उलझन नहीं थी, इजीली सुलझ गए। तो सबसे पहले हम बालों की लेंथ डिसाइड कर लेंगे कि लेंथ कितनी रखनी है। तो लेंथ इनकी हम 4 से 5 इंच तक निकालेंगे। सबसे पहले आप जब भी कोई भी स्टेप कट करते हो तो आपको पहले लेंथ डिसाइड कर लेनी है। तो जितनी भी लेंथ रखनी है, फिर से एक बार बालों को अच्छे से सुलझा लेते हैं। तो इतना मैं, जितना इनका बाल नीचे से मुड़ा हुआ है वो कट करके निकाल दूंगी, जैसे 4 से 5 इंच तक। स्ट्रेट कट में हल्का सा यू, एकदम मतलब हल्का सा गोल टाइप का कट करूंगी। ओके, तो ये इनकी लेंथ हो गई। अभी स्टेप कैसे देना है वो बताती हूँ। तो सबसे पहले आप बीच से बालों को इस तरीके से उठाएंगे। ओके, और स्ट्रेट कॉम करके ऊपर 90 डिग्री पर लेके जाएंगे। जहाँ से आप हाफ पफ बनाते हो वहाँ से आपको बालों को उठाना है, ऊपर स्ट्रेट कॉम करके ऊपर की तरफ लेके जाओगे 90 डिग्री पे, और इतना कट कर देंगे। फुल स्टेप देना है, पूरा ऊपर से स्टेप आना चाहिए। तो जो ये आपने हेयर उठाए थे उसको, जो आपका सबसे ऊपर का स्टेप होगा वो होगा ये। तो पहला स्टेप आप देख सकते हो एकदम ईयर के पास से स्टार्ट होंगे। फिर सेकेंड बारी में आपको इधर साइड से हेयर को लेने हैं,
आप वीडियो देखते रहिए अच्छे से समझने के लिए। साइड से हेयर को लेकर फिर से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और एक्स्ट्रा हेयर को कट करेंगे। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा अच्छे से समझने के लिए। ओके, देख सकते हैं कितना प्यारा सा स्टेप आ रहा है और फाइनल लुक आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। ये देखिए कितना प्यारा सा स्टेप आया है। फिर दूसरी साइड से भी उसी तरीके से ईयर के पास से हेयर को लेंगे और इस तरीके से उठाएंगे। नीचे का लेंथ हमको बिल्कुल भी नहीं निकाल लेना है और फिर इसको भी 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ उठाएंगे। जो हेयर निकल रहे हैं उनको निकलने दीजिए, फिर ये एक्स्ट्रा हेयर को कट कर देंगे। ओके, ओके, देख सकते हैं कितने प्यारे स्टेप आ रहे हैं बालों में। बाल अगर आपको सूखा लगे तो आप दोबारा से गीला कर लीजिए। ओके, अभी क्या करना है, अभी आपको फिर से बालों को इस तरीके से बीच से उठाएंगे। अब वीडियो देखते रहिए, क्लियरली समझ में आ जाएगा। इस तरीके से साइड साइड के सारे बालों को छोड़ देंगे और बस बीच से उठाएंगे और इसको फिर स्ट्रेट ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे। ऊपर की तरफ कॉम करके क्यों लेके जाते हैं 90 डिग्री पे, क्योंकि हमारी लेयर्स अच्छे से पूरा निकल के आता है, इसलिए ऊपर की तरफ कॉम करके। आप नीचे नीचे कट कर दोगे तो आपकी स्टेप अच्छे से नहीं आएगी, इसलिए ऊपर की तरफ पूरा कॉम करके इस तरीके से गोल पूरा बाल को उठाना है। देखिए, आप लाइन क्रिएट कर लीजिए, इस तरीके से लाइन बना लेनी है और ऊपर की तरफ हेयर को लेके जाना है। ओके, जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको निकाल दीजिए। ओके, अभी फिर ऊपर की तरफ से कॉम करके लेके जाएंगे 90 डिग्री पे और इसको कट करेंगे। अच्छे से कॉम करके लेके जाइए और फिंगर में हेयर को पकड़िए ताकि आपकी स्टेप पूरा ऊपर से नीचे तक अच्छे से स्टेप दिख पाए। उसके लिए फिर आपको ये हेयर को कट कर देना है। ओके, तो ये देखिए कितना प्यारा सा स्टेप आ गया है बालों में। अभी बालों को फिनिशिंग देंगे थोड़ा सा, बहुत ही प्यारे से स्टेप आ गए हैं बालों में, फुल स्टेप आ गए हैं। अभी हम बालों को थोड़ा सा और छोटा कर देंगे। आप चेक कर लीजिए कि अच्छे से कहीं से मतलब छूट तो नहीं रहा, फिर मिडल पार्टिंग करके और बालों को फिनिशिंग दे दीजिए अगर आपको ऊपर नीचे कहीं लगे तो। और ये क्लच लगाएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा गाइस जी वाला स्टेप कट। ओपन रखो, क्लचर करो, पोनी बनाओ, हर टाइप में बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक एक इंच हेयर और आपको कट कर देने हैं ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। तो ये हो गया और मैं इनको क्लच लगा के अभी दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से, ओके, बहुत ही प्यारा सा कट आया था। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएगा गाइस कमेंट बॉक्स में। कहीं पे वीडियो कैमरा प्रॉब्लम है, प्लीज़ डोंट माइंड। बालों को टाइम टाइम पे कटिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके बाल रफ और ड्राई हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे और अच्छे नहीं लगते हैं, वॉल्यूम भी कम हो जाता है। जैसे वॉल्यूम होते हुए भी वॉल्यूम दिखती नहीं है, इसीलिए आपको टाइम टाइम पे बालों को कट कर लेना चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे इनको क्लिप करके फिर इनका फाइनल लुक आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये था इनका फाइनल लुक, ये देखिए कितना प्यारा सा कट आया है। तो और भी पिक्स मैंने अपने यहाँ पे डाली हुई है जो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। यहाँ पे शायद क्लियर ही नहीं दिख रहा है, तो अभी क्लियर करके मैं पूरा दिखा देती हूँ आपको इनका फाइनल लुक। वाओ, ये देखिए कितना अच्छा कट आया है। तो आपको भी आई होप वीडियो देख के हेल्प मिली होगी और आप इस तरीके से कटिंग करने में कटिंग कर पाओ। कुछ भी ना समझ में आया तो प्लीज़ मेरी इंस्टा आईडी पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 से, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगी और अच्छे से समझा भी दूँगी। ओके, तो प्लीज़ गाइज फॉलो मी। आई होप आप लोग को इनकी कटिंग पसंद आई हो, अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और वीडियो कटिंग पसंद आई हो, ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं नई वीडियो के साथ अच्छे से उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, और भी हेयर कट की वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और वेडिंग सीजन चल रहे हैं, वेडिंग सीजन में आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।